कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व रामपुर हाथी कैंप से 4 हाथियों को लेकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम मंगलवार को मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। 4 दिन में करीब 1600 किमी का रास्ता तय कर हाथी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अंजनागढ़ थाना कैंप पहुंचेंगे। मैसूर बेंगलुरु नागपुर के रास्ते हाथी ट्रक से 2 या 3 दिसंबर तक एसटीआर में पहुंचेंगे। अफ्रीकन चीतों में मध्य प्रदेश में कर्नाटक से 15 हाथी आने हैं। पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और एसटीआर में ये हाथी आने हैं। पहले चरण में 4 हाथी एसटीआर में आ रहे थे। हाथी लाने सोमवार को एसटीआर की टीम बंदीपुर पार्क में पहुंच गई थी। पार्क प्रबंधन ने सभी हाथियों को एकत्रित किया। एसटीआर की टीम ने 4 हाथी को चुना है, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल हाथी है, जिनके नाम कृष्णा, गजा, पूजा, मारिसा है। एसटीआर टीम के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति, डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, पन्ना के डॉक्टर संजीव गुप्ता, पिपरिया डिप्टी डायरेक्टर आशीष कुबरावड़े, रेंजर आरपी पाठक की टीम हाथी लेने कर्नाटक गई। मेडिकल समेत तमाम तरह की जांच होने के बाद चारों को ट्रक में रखकर मंगलवार दोपहर टीम रवाना हुई। फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि 4 हाथी लेकर मंगलवार को टीम रवाना हो चुकी है। ट्रक में रखकर हाथी लाए जा रहे हैं।